सीएम ने वर्चुअल बैठक में दिए निर्देश, सीएम पर भी होगी टेस्टिंग। अंबेडकर में रेमडेसिविर के लिए अलग काम के। संकट में हड़ताल से डरी सरकार, छत्तीसगढ़ में स्वास्थ्य, बिजली, पानी और सुरक्षा सेवाओं पर ईएसएमए लागू। छत्तीसगढ़ में निजी अस्पतालों में ऑक्सीजन वाले 50% बिस्तर कोरोना मरीजों के लिए आरक्षित, सरकार ने भी बढ़ाई अस्पतालों की क्षमता। प्रदेश में अब तक 5 लाख से ज्यादा लोगों को हुआ संक्रमण, पिछले 24 घंटे में 15,000 के पार हुए मरीज। रेमडेसिविर इंजेक्शन की महामारी के बीच थोड़ी राहत, रेमडेसिविर 2 दिन में 11,000 डोज मिले, करीब 30,000 इंजेक्शन की जरूरत। 24 घंटे खुलने का दावा करने वाली दवा दुकान, बाहर खड़े मरीज के परिजन मिन्नत फिर भी नहीं दिए रेमडेसिविर इंजेक्शन। आप देख रहे हैं की न्यूज़, खबरों का सारथी। नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा छत्तीसगढ़ और मैं हूं आपके साथ सोनाली तोमर। जिला कोरबा के कटघोरा विकासखंड के ग्राम पंचायत सिंघाली में पंचों ने मनरेगा तालाब गहरीकरण में रोजगार सहायक और उप सरपंच के ऊपर फर्जीवाड़ा का आरोप लगाया है। पंचों से मिली जानकारी के अनुसार मनरेगा तालाब गहरीकरण ग्राम पंचायत सिंघाली के में डोडीबाड़ा और यादव तालाब गहरीकरण कार्य प्रतिशील पर है, जहां उप सरपंच और रोजगार सहायक के द्वारा मास्टर रोल में फर्जी तरीके से अपने पक्ष के लोगों के हाजिरी भरा जा रहा है, जिसमें मितानिन सुपरवाइजर SECL ठेकेदार कर्मी के नाम भी सामने आ रहे हैं। ग्राम पंचायत सिंघाली पंच ईश्वर सिंह कंवर ने बताया कि मनरेगा के तहत चल रहे कार्य में विगत 2 वर्षों से रोजगार सहायक और उप सरपंच के द्वारा फर्जी तरीके से मास्टर रोल में हेराफेरी कर रहे हैं। हमारे ग्राम पंचायत में समस्या है, दो तो गहरीकरण तालाब खुदा है, उन्हें मतलब फर्जी हाजिरी डाला गया है। किन के द्वारा फर्जी हाजिरी डाला गया? उप सरपंच और रोजगार सहायक के द्वारा। क्या क्या नाम है उन लोग का? उप सरपंच का नाम है संजय कुमार कंवर और रोजगार सहायक का नाम है शंभु सिंह कंवर। पुलिस उप महानिरीक्षक और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अजय कुमार यादव द्वारा लॉकडाउन अवधि के दौरान आजाद चौक अनुभाग के थाना क्षेत्र में लगाए गए पुलिस चेकिंग पॉइंटों का आकस्मिक निरीक्षण किया गया। पुलिस उप महानिरीक्षक और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा चेकिंग पॉइंटों में लगे पुलिस कर्मियों को स्वयं को इस संक्रमण से सुरक्षित रखते हुए डबल मास्क लगाने के निर्देश देने के साथ ही सख्ती से लोगों की चेकिंग करने के निर्देश दिए हैं। खड़गवा वन परिक्षेत्र में लगातार कीमती इमारती लकड़ियां की कटाई हो रही है, लेकिन खड़गवा वन परिक्षेत्र के रेंजर अर्जुन सिंह इस पर कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं। मानो ऐसा लगता है कि रेंजर अर्जुन सिंह के साथ साथ उसके बीच गार्ड भी महोदोषी के नींद सो रहे हैं। आपको बता दें कि वन परिक्षेत्र कार्यालय से महज 1-2 किलोमीटर की रेंज में तेजी से कीमती वृक्षों की अवैध कटाई की जा रही है। साल सागौत फरसा सीधा इत्यादि पेड़ की कटाई अवैध रूप से तेजी से चालू है। शासन प्रशासन से लाखों रुपए लिए जाते हैं केवल वृक्षारोपण के लिए, परंतु उसी वृक्ष को बड़े होने के बाद अवैध रूप से कटाई करवाने का हाथ इन्हीं अधिकारियों का रहता है। राज्यपाल जी की उपस्थिति में हुई सर्वदलीय बैठक में
राज्यपाल की उपस्थिति में हुई सर्वदलीय बैठक में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, राज्य के मुख्य सचिव के साथ साथ प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम और जनता कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अमित जोगी ने भाग लिया। बैठक कोरोना से लड़ाई को लेकर बेहद अहम बैठक थी और इसमें सरकार के मुखिया मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और प्रशासनिक तंत्र के मुखिया मुख्य सचिव उपस्थित रहे। कांग्रेस संचार प्रमुख शैलेश नितिन त्रिवेदी ने भाजपा से पूछा है कि भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष ने आज की सर्वदलीय बैठक में क्यों भाग नहीं लिया। कोरोना महामारी से आज छत्तीसगढ़ नहीं पूरा देश और पूरा विश्व जूझ रहा है। आज राज्यपाल जी की उपस्थिति में हुई सर्वदलीय बैठक में राज्य के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और मुख्य सचिव ने भाग लिया। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम और जनता कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अमित जोगी ने भी भाग लिया, लेकिन भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष ने इस बैठक में भाग नहीं लिया। यह दिखाता है कि भाजपा राज्य में कोरोना के खिलाफ लड़ाई को गंभीरता से नहीं ले रही है। भाजपा के 9 सांसद हैं, विधायक हैं, किसी ने एक फूटी कौड़ी राज्य में कोरोना के खिलाफ लड़ाई के लिए नहीं दी। छत्तीसगढ़ में बढ़ते कोरोना वायरस के चलते राज्य के अधिकांश जिलों में संपूर्ण लॉकडाउन लगा दिया गया है। यहां तक कि फल और सब्जी दुकानें खोलने की अनुमति भी नहीं है। ऐसे में किसानों को बाजार उपलब्ध नहीं होने के कारण अपने उत्पाद फेंकने पड़ रहे हैं या फिर औने पौने दाम पर ही बाहरी व्यापारियों को बेचना पड़ रहा है। अनेक गांव में हजारों एकड़ में फल और सब्जी की खेती होती है। नवरात्रि और वैवाहिक सीजन को देखते हुए किसान उस अवधि में फसल तुड़वाई कराने के हिसाब से खेती करते हैं। देखना ये होगा कि फल और सब्जी के बर्बाद होने में प्रशासन किसानों की क्या सहयोग कर पाती है। में तो टोटल नुकसान है, यहाँ व्यापारी आ ही नहीं रहा है, मार्केट सब बंद है ना। हम लगाए थे 6 एकड़ में खरबूजे की फसल, जैसे माल जैसे तैयार हुआ तो टोटल लॉकडाउन हो गया। हमको कोई व्यापारी ही नहीं मिल रहा है बेचने के लिए, माल पैर में ही सड़ रहे हैं। हाँसी लगाओ, मारो, घर बेचो, उनको तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर एक आज किसी को समय दे देते 2 घंटा पहले जैसे पिछले लॉकडाउन में दिए थे तो सबका उद्धार हो जाता किसानों का। किसान मर रहे बेचारा। दंतेवाड़ा में पहले दिन पुलिस ने नगर में फ्लैग मार्च किया, जिसके बाद नगर में चारों ओर पुलिस बल की तैनाती के बाद लॉकडाउन सफल रहा। लेकिन उसके बाद सुबह से लोग बेवजह घूमते नजर आए। खबर लगते ही एसडीएम समेत कई आला अधिकारी हरकत में आए और सड़कों पर बेवक्त घूमने वालों पर चलानी कार्रवाई भी की। इसके साथ ही टीम द्वारा NMDC अपोलो कोविड केयर सेंटर का जायजा लिया गया, साथ ही मरीज से बातचीत की गई और भोजन की गुणवत्ता का परीक्षण भी किया गया। बड़ा दुर्भाग्यजनक है कि एक 250-300 छत्तीसगढ़ के पूर्व कृषि मंत्री ब्रजमोहन अग्रवाल ने कहा, बहुत दुर्भाग्यजनक है कि 300 पेशेंट का कोविड सेंटर में 2 दिन के अंदर में कई लोगों की मृत्यु हो रही है। यह सरकारी आंकड़े हैं, परंतु वास्तविक में वहां व्यवस्था का आलम है। इसके साथ ही उन्होंने कहा, निश्चित रूप से सरकार की कोविड-19 महामारी का बहुत ही दुखद समय है जब लोगों की जान जा रही है। ऐसे समय पर आरोप प्रत्यारोप के बजाय सरकार को इसके नियंत्रण की बात पर अमल करना चाहिए। बड़ा दुर्भाग्यजनक है कि एक 250-300 पेशेंट का कोविड सेंटर चालू किया, वो भी सरकारी है, और वहाँ पर 2 दिन के अंदर में 20 लोगों की मृत्यु हो जाए। ये तो सरकारी आंकड़ा है, परंतु वास्तविक में वहाँ पर बहुत अव्यवस्था का आलम है। लगातार वहाँ से हम लोगों के पास भी फोन आ रहे हैं और हम लोग लगातार अधिकारियों को कह रहे हैं, तो निश्चित रूप से मुझे लगता है कि जितने भी ये सेंटर खोल रहे हैं वहाँ पर वरिष्ठ अधिकारियों को मॉनिटरिंग के लिए लगाना चाहिए। और मैं तो पूछना चाहूँगा कि जितने कोविड सेंटर पेपरों में छप रहा है, यहाँ खुलेगा यहाँ खुलेगा, अभी कितने कोविड सेंटर प्रारंभ हुए? मेरी जानकारी में सिर्फ एक स्टेडियम का जो कोविड सेंटर है वो सिर्फ शुरू हुआ है,
बाकी कोई कोविड सेंटर अभी तक प्रारंभ नहीं हुए। खबर कोरिया से है, जहां कलेक्टर श्री एस एन राठौर द्वारा कोरिया जिला अंतर्गत संपूर्ण क्षेत्र को 11 अप्रैल को शाम 6 बजे से 19 अप्रैल सुबह 6 बजे तक कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया है। उक्त आदेश में आशंक संशोधन करते हुए कलेक्टर श्री राठौर द्वारा अति आवश्यक सेवाओं के तहत जिले के प्रतिष्ठान, संस्थान और दुकान को शर्तों के समय खोलने की अनुमति प्रदान की गई है। इसके अनुसार कोरिया जिला अंतर्गत घोषित कंटेनमेंट जोन अवधि में शासकीय उचित मूल्य की दुकान, सब्जी फल, किराना राशन दुकान, आटा चक्की, मिल्क पार्लर को कोविड प्रोटोकॉल का पालन करते हुए सुबह 6 बजे से सुबह 10 बजे तक दुकान खोलने और सामग्री विक्रय करने की अनुमति होगी। अब रुक करेंगे मध्य प्रदेश की खबरों का, लेकिन उससे पहले हेडलाइंस।